बताते हैं क्यों खड़ा हुआ है। पहले वहां ताला बंद था, समझे नहीं, ताला बंद था तो कुछ महात्माओं ने वहां पर ये कहा कि हम अनशन करेंगे, ताला खोल दिया जाए। तो ये बात उस समय राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने गार्गी शंकर मिश्रा से कहकर हमसे पूछाया कि महाराज जी से पूछो कि हम क्या करें। हमने कही जन्मभूमि है, उसका ताला खुलवा दो, उसने खुलवाया। इन्होंने विजय यात्रा निकाल दी, विजय यात्रा निकालते मुसलमान चढ़ गए। तो जैसे जैसे उन्होंने प्रचार किया मुसलमानों के और मस्जिद का प्रचार हुआ, तो इस तरह से इस मामले को इन्होंने विश्वव्यापी बना दिया। क्योंकि ये बात केवल अयोध्या तक ही थी, तो ये ध्रुवीकरण चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे। आप देखिए ना, ओबीसी नाम का एक आदमी है जो वहां का है, हैदराबाद का, उसको चेन्नई से क्यों मिलवाते हैं लोग? इनका मतलब ये नहीं है कि ये उसके विरोधी है, उससे हिंदुओं के प्रति कटु शब्द कहलवाते हैं, इससे हिंदू चेहरे मुसलमानों से ये सब ये तो उसको बंद करना चाहिए। क्या जरूरत है उसकी, उसको ये मौका कैसे मिलता है? लेकिन बड़ा कहाँ आदर्श होता है, हम तो ब्रह्म राम के मंदिर जाना चाहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण बीरपुर सूर्य भक्त परिमत कौशल्या की गोद, तो वो राम जन्मभूमि है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। राम जन्मभूमि का हमारे पास प्रमाण है, स्कंद पुराण में लिखा है राम जन्म कौन सी है, और अंग्रेजी राज के समय पत्थर लगे हुए हैं वहां राम जन्मभूमि चौकी है, और हमने राम जन्मभूमि परिक्रमा भी उबार की थी, बहुत बड़ी परिक्रमा की थी, उसका इतिहास है। तो हम इसके पीछे नहीं, और हम लोग ये चाहते हैं कि मंदिर बने तो वही बने। ये लोग धोखा दे रहे थे, 192 फुट दूर उन्होंने शिलान्यास किया था, उस शिलान्यास की जगह हम गर्भगृह में जा रहे थे, यूं देखो हमको चुनाव के लिए बंद करवा दिया था, ये आपको याद होगा। तो हम उसके लिए कटिबद्ध है, और हम अदालत में ये सिद्ध कर देंगे कि ये जन्मभूमि है। हमारी तरफ से कहा जाएगा कि ये राम जन्मभूमि है, और जो अभी हाईकोर्ट ने फैसला दिया है ना कि जो गर्भगृह है जहाँ रामलला विराजमान है, वो तो उन्होंने रामलला को दे दी, लेकिन एक टुकड़ा उन्होंने मुसलमानों को भी उसके बगल में दे दिया, और दूसरा टुकड़ा उन्होंने मुरली अखाड़े को दे दिया। हम लोग ये कहने जा रहे हैं कि पूरी जमीन जन्मभूमि है, और ये रामलला की ही रहनी चाहिए, और मंदिर मस्जिद अगल बगल नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? हम मुसलमानों को विरोधी नहीं है, वो अगर कभी मस्जिद बना के खुदा की इबादत करना चाहते हैं उसकी विरोधी नहीं है, लेकिन वो ये मानते हैं कि घंटे में शैतान रहता है, तो वो चाहेंगे कि हम मस्जिद शांति से करें और हम घंटा बजाएंगे, तो रोज रोज झगड़ा होगा, इसलिए ऐसी जगह लोग क्यों बनाते हो। और अभी हमको पता लगा है, मैंने जो एडवोकेट है परमेश्वर नाथ में बर्फ में हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मुसलमानों के जमाने में किसी मुस्लिम बादशाह ने फैसला दिया है अगर मस्जिद टूट जाती है या कहीं पर कोई जुर्म होता है तो मुसलमान मुआवजा लेके ऐसी जगह मस्जिद बना ले जहाँ की मुस्लिम आबादी अधिक है। तो वो हम लोगों को एक किताब मिल गई है, वो भी हम लोग पेश करने जा रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि सच्चे हिंदू और सनातन धर्म हिंदू के रूप में हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। कृपया हमारे चैनल